हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। सॉरी बहुत लंबे वक्त बता रहा हूँ क्योंकि बिजी शेड्यूल रहता है, बहुत सारी चीज़ें, ऑफिस, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो आज फाइनली आया मैं वापस, बहुत लंबा वक्त हो गया था, मैं कहा शुरू ही कर लेते हैं। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली से घर, और अभी मैं रामपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर हूँ, तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आया था दिन में 12 बजे, लगभग 1 बज गया था ऑलमोस्ट दिल्ली से। तो आज दिन ऑफिस और उसके बाद हल्द्वानी तक, तो देखते हैं। अभी हो रहा है 4:34, तो देखते कितने बजे तक पहुँचते हैं हल्द्वानी, और आज शाम को रुकूँगा, कल सुबह वहाँ से जाऊँगा। ठीक है, अब देखिए जो चीज़ें होती दिखाने वाली मैं आपको दिखाता हूँ, एंजॉय करिए आप वीडियो। ठीक है, चलिए। ये है रामपुर के पास वाला टोल, यहाँ तो चार्जेस नहीं लेते हैं, लेकिन आगरा वाली हाईवे में, दिल्ली से आगरा जब जाते हैं मेरा एक्सप्रेस वे, वहाँ पे चार्जेस हैं। यहाँ पे किसी में भी अगर NS9 इसका नाम है, अगर आप दिल्ली से हल्द्वानी वाले में आते हैं, NS9 है, लेकिन कोई चार्जेस नहीं है इसके। हम हल्द्वानी को जाते हैं तो बहुत कम जगह है जहाँ पे रोड ख़राब सी है या फिर काम चल रहा है, वरना ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। बहुत अच्छी रोड, बहुत अच्छी रोड, सीरियसली। हम रामपुर क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद फिर बढ़िया सी रोड आ जाती है, फिर वही सीमेंट की रोड है, वो ही रुद्रपुर तक, यहाँ तक रुद्रपुर तक ऑलमोस्ट, और बहुत अच्छी है रोड, बढ़िया सी। एक टोल हो रहा है ये रोड शायद, और फिर चौड़ी हो रही है मुझे लग रहा है, यहाँ पे जो रोड पहले बनी है उसके किनारे में और कुछ चल रहा है, और चौड़ी शायद हो रही है। आगे टोल है रामपुर का, शायद ये लास्ट इस रोड में, फिर लास्ट टोल आएगा ये वाला। ऐसा अभी पेड़ के साया पूरे रास्ते में, पूरी टहनी उसकी यहाँ तक आई। जाओ भाई तुम्हें जल्दी है, थोड़ा वेट भी नहीं कर सकते भाई साहब, थोड़ा सा भी नहीं। गाड़ी ये तो बिल्कुल खतरनाक, वाह वाह वाह, ग्रीनरी क्या होंगे, गेहूँ धान धान होता है ना आजकल तो। हाँ, उदयपुर 29 किलोमीटर, व्यू कितना प्यारा है यहाँ पे, बीच में प्यारा सा मकान, फिर खेत, यहाँ पे कुछ हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे अभी कोई बोया हुआ था, पंत नंगर 37, यहाँ पे शायद गुरुद्वारा है आगे। इसी घर से अगर राइट ले लें हम ना, नीचे को जाएँ तो बिलासपुर को जाएगा, और सीधी जाएँ तो रुद्रपुर को जाएगा। पहले जब रोड नहीं बनी थी, हाईवे नहीं बना था, तो यही वाली रोड हुआ करते थे, फिर बाईपास निकाला है। अरे मेरे प्यार लग रहा, पेड़ देखो पेड़ कैसे लगे हैं, लगा रखे हैं, पॉपुलर बोलते हैं इसको, पेपर वगैरह बनता है इससे, इतने प्यारे लग रहे हैं, एक ही लाइन में लगा रखे हैं सारे, और बीच में सारे अमरूद के पेड़ हैं, हाँ अमरूद का बाग है, और चारों तरफ से पॉपुलर लगे, तो प्यारे लग रहे हैं, वाह गजब शानदार, बहुत बढ़िया। रुद्रपुर 17 किलोमीटर, कितना प्यारा लग रहा है हाईवे, तो गजब बन गई है सीरियसली, फ्लाईओवर बनाया है उसके पीछे भी लाइटिंग लगाई नहीं है, पोल ही लगाए हैं, लेकिन बड़ा प्यारा सा लग रहा है। अभी मैं ढूंढ रहा हूँ एक जगह बढ़िया सी जहाँ पे ब्रेकफास्ट आपका कर सके, मैडम लाई है आलू और पराठे, कुछ खाया हमने लास्ट पीछे रामपुर से पहले, थोड़ा सा खाया, देखो मैं छाया वाला एरिया मिल जाए वहाँ पर खाए, आराम से बैठ के थोड़ी सी थकान भी लगने लगी, शोल्डर और बैक में थोड़ा पेन होने लगता है गाड़ी चलाते वक्त, ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाते रहता हूँ और शोल्डर इस तरह का हिलाते रहता हूँ, फिर सही रहता है, तो फिर भी पेन रहता है, तो उनका तो हो ही जाता है। फिर देखो मैं जब खेत और बीच में पेड़ प्यारा सा शानदार, हमें मिली है कुछ ऐसी जगह, ये है हाईवे सत्कार, उसके पास में शिव शक्ति मंदिर है, यहाँ पे बढ़िया सा आम का पेड़ यहाँ पे छाया हो रही, और खाने का आइटम है मेरे पास, पानी वानी भी है ले लिया, आम के बाग हैं पूरे पूरे, खतरनाक हो रही है यहाँ छाया, बहुत अच्छा सा, पता नहीं आम के बाग हैं शायद, कोई उनकी वो करता हुआ रखवाली वगैरह करता हुआ, चारपाई वगैरह लगी हैं, आम भी लगे हैं ढेर सारे यहाँ पे। थोड़ी देर रुक लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, खाना पीना खा लेते हैं।
बिल्कुल लगभग 5 किलोमीटर बचा हुआ है। यहाँ पे कॉलेज दिख रहे हैं मुझे, अपेक्स करके, अपेक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, मुझे प्यारा लग रहा है। खेतों के बीच में कॉलेज है। वो अभी काम चल ही रहा था, धूल धक्कड़ बहुत हो रहा है। रुद्रपुर के आगे जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे काम है, बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग है। अरे 3-4 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, पता नहीं इतना टाइम तो लग ही गया, पता नहीं कब होता है क्लोज। उसके वजह से सिंगल रोड टाइप की हो रही है और यही काम बचा हुआ है यहाँ पे, वरना तो रोड तो ऑलमोस्ट ठीक हो गई है। इसमें लगेगा अभी वक्त, पूरा फ्लाई ओवर बन रहा है ट्रेन के, ट्रेन का जो ट्रैक है उसके ऊपर से ना। अभी सही से पिलर ही नहीं डाले हुए हैं ये, शायद लोहे के भी इसी के लिए। ओके, पिलर डालने के बाद इनको रखेंगे ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे है रेलवे का क्रॉसिंग, तो उसके लिए बन रहा था, देखते हैं कब बन के तैयार होता है। वो पहुँच चुके हैं रुद्रपुर, एक और पैच रहेगी, मतलब 6:36 हो रहा है अभी, देखते हैं आधा घंटा पौन घंटा लगभग लग रहा है मुझे कि पहुँच जाएंगे। वहीं ट्रैफिक कितना रहता है इस रोड में, मतलब तो रोड वैसे सही बन गई है रुद्रपुर से, जो हल्द्वानी वाली रोड है अच्छी बन चुकी है, लेकिन ट्रैफिक अच्छा खासा रहता है यहाँ रुद्रपुर में, देखते हैं क्या रहता है। हल्द्वानी 37 किलोमीटर, सात तक आई होप मैक्सिमम पहुँच जाना चाहिए, ट्रैफिक सब सही रहता। तो रुद्रपुर भी बहुत अच्छा शहर लगने लग गया भाई, रोड इतनी चौड़ी अच्छा लगने लगा। दोनों साइड पेंटिंग, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है दोनों साइड से। सूरज देवता जाने ही वाले हैं, लेकिन अभी नहीं गए, क्या पता हमारे हल्द्वानी जाने तक चले भी जाएंगे, सूर्यास्त होने ही वाला है अभी। प्यारा सा लग रहा है लेफ्ट साइड में सूरज देवता हमारे, अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लगते हैं सूरज देवता हमारे, बहुत प्यारे, पेड़ों के बीच से हैं। फ्लाई ओवर ये बन रहा है, आगे सीधे पंत नगर और लाल कुआं को जाएंगे हम, ठीक है। और अगर हम यहाँ से लेफ्ट को चल जाएंगे हल्द्वानी को जाएगा, तो मतलब लाल कुआं पंत नगर वाला ट्रैफिक है रुद्रपुर से सीधे ऊपर से होते हुए आएगा। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, डस्ट वस्ट इसलिए खूब सारा हो रहा, धूल धूल, इतना ईजी नहीं हुआ बाइक से जाना, ठीक है शौक होता है लेकिन बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन हाँ वो उसूल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखती हैं और शानदार सी व्यू और अपना जो पैशन है सारा वसूल हो जाता है भैया। ये जाएगा सीधे हल्द्वानी को, भाई साहब सुकून तो ऐसी जगह ही आके आता है, मज़ा आ जाता है भाई साहब, है औसम भैया औसम। रुद्रपुर के बाद में एक ओके, यहाँ पे रेलवे वो क्रॉस ओवर हुआ, ठीक ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग होगा तो ट्रेन आ रही होगी उसके से, अब सही हो गया। दोनों साइड पेड़ इतने, हवा खाते हुए जाएंगे, अब थोड़ा सा रह गया। ओके, सिर्फ इंजन जा रहे हैं भाई साहब, मज़ा तो ऐसे ही रोड में आता है जाने के जाने में, सीरियसली है। दोनों तरफ से पेड़, इतना शानदार मौसम है, गजब शानदार शानदार मज़ेदार, मज़ा आ गया। ऐसी रोड मिल जाए ना, सीरियसली का रेलवे क्रॉसिंग और टांडा जी मतलब बहुत भयंकर, पता नहीं कहाँ कहाँ से फैला हुआ। वो रामपुर नहीं, रामनगर वाला एरिया भी टाउन टांडा में ही आता है, ये वाला आ गया और यहाँ टनकपुर तक, पता नहीं कितना लंबा एरिया, खटी माँ पूरा एरिया टांडा का, टांडा के अंदर में आता है। एक मूवी भी बनी है, पीलीभीत वाला एरिया भी इसी में आता है, एक मूवी बनी थी इस पर पंकज त्रिपाठी जी की, कुछ शेर वाला ऐसा कुछ था उसमें, बहुत बड़ा जंगल है टांडा का, पहले तो डरावना था ये जंगल, अब थोड़ा बहुत आई होप सही हो गया। ये तो पेड़ इतने खतरनाक रहे हैं, ऊपर गिरने के डर रहते हैं, जब तूफान उफान आता है तो गिर जाते हैं गाड़ी के ऊपर ऊपर, ऐसा कुछ रहता था, ये खतरनाक जंगल था, अब तो थोड़ा बहुत सही भी होने लग गया, इतना डर नहीं है आजकल। यहाँ एन बोर्ड बनाए हैं कि जानवर क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से गिर गए, जंगल है ना तो ऐसा, जानवर तो नहीं। ओके कुत्ता क्रॉस कर रहा है, डर लगता है कुत्तों से भी, कब क्रॉस कर दे, कुत्ते ही बच्चे में डर लगता है इनसे, एक साइड चल रहा है लेकिन कब क्रॉस कर दे डर लगता है।
यहाँ भी आग ने नहीं छोड़ा है, साथ पूरा आग लगी है यहाँ भी भयंकर वाली। कैसे हो रहे दोनों साइड काले पड़े भाई साहब, इतने बड़े बड़े पेड़ में अभी तो बुझ गए होंगे भाई साहब। कितना प्यारा व्यू लग रहा है यार यहाँ का, सीरियसली अल्टीमेट ऑसम, शानदार यार, मज़ा आया। ऐसा लग रहा है विदेशों में गाड़ी चला रहे हैं, इंडिया तो लगेगी ना मुझे भाई, ऑसम। लिखा है आगे ट्रक में, हारना मंजूर है मुझे, हारना मंजूर है मुझे, खेल तो बड़ा ही खेलूंगा खतरनाक भाई साहब। भाई साहब 7-8 किलोमीटर और जाना था, लेकिन अभी से ही इतना भयंकर जाम, पता नहीं क्या, अभी तो चौड़ी रोड बन गई फिर भी पता नहीं क्यों। तो पीक आवर्स भी है ना, 7:16 हो रहा अभी, ऑफिस बहुत कुछ चीज़ें हैं, पर फिर इतना खतरनाक जाम लग रहा। इलेक्शन के रिजल्ट भी आ रहे हैं शायद, ये भी रीज़न हो सकता है कुछ। हल्द्वानी में शायद बीजेपी के प्रत्यक्ष से कोई जीते हैं, उन्हीं के उसमें रैली भी निकल रही है, तो हम फंस रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं आगे, सारा उन्हीं का काफिला जा रहा है, मैं पहचान नहीं पा रहा कौन था यहाँ से। अरे गाड़ियाँ, प्रशासनिक गाड़ियाँ और ये सब जो सांसद साहब हैं आगे दिख रहे हैं मुझे गाड़ी में। इस गाड़ी में दिख रहे हैं, पहचान नहीं पा रहा मैं कौन है, पीछे से देख रहा हूँ। ये है मुखानी चौराह, 7:31 हो रहे हैं, कोई रश नहीं किया वैसे, आराम आराम से आते दिल्ली से पहुँच गए, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ, इतना चलता है ठीक है। वैसा तो अब मॉर्निंग में जाएंगे यहाँ से पहाड़ को ठीक है, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी निकल पाएँ। उम्मीद है ये जो जर्नी है छोटी मोटी आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड हैव ए वंडरफुल डे। डे तो नहीं, नाइट होगी अब तो ऑलमोस्ट। अरे हमें भी तो दिल जाने दो भैया, लाइट ख़राब हो रही है यहाँ, रेड लाइट वगैरह ख़राब हो रही है। जय हो जय हो जय हो। ओके मंगलवार है, अलहमदिल्ला भीड़ भाड़ हो रही है। चलिए जी जय करिए, बाय, टेक केयर, सी यू सून, कल वाली वीडियो डालेंगे फिर ठीक है।